हाय दोस्तों, वेलकम टू द नॉलेज 100। दोस्तों आज के वीडियो में बताऊंगा सीआरपीएफ का 789 वैकेंसी टोटल निकला हुआ है, तो आप लोग ये कैसे अप्लाई कीजिएगा और ए टू जेड डिटेल्स आप लोग को बता दूंगा इस वीडियो में। हाँ दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको अपडेट मिलती रहे गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड। तो चलिए दोस्तों शुरू करते इस वीडियो को। हाँ दोस्तों, इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके इस वीडियो से, ठीक है। यहाँ बात की जाए नेम ऑफ द पोस्ट का, तो अगर सीआरपीएफ एसआई एएसआई एंड कांस्टेबल ऑनलाइन फ्रॉम 2020, ठीक है। पोस्ट डेट था 11 जुलाई 2020 और लास्ट डेट था 15 जुलाई 2020, बट लॉकडाउन के चलते अप्लाई बंद हो गया था, अप्लाई स्टार्ट ही नहीं हुआ था, ठीक है, वैकेंसी का। तो अब स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोग को टोटल वैकेंसी यहां पर बता देना चाहता हूं, 789 वैकेंसी है टोटल, ठीक है दोस्तों। तो अप्लाई कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। और बात किया जाए यहां पर, तो ऑनलाइन में अप्लाई होगा, यहां पर लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैन बी रीड द नोटिफिकेशन एंड अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है। तो ऑनलाइन में अप्लाई किया जाएगा, ठीक है। तो अप्लाई ऑनलाइन डेट भी मैं बता देता हूँ कब से अप्लाई होने वाला है। तो एप्लीकेशन फी का अगर बात किया जाए, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी मेल के लिए 200 रुपीज़ लगेगा, ग्रुप बी के लिए। इस वैकेंसी को ग्रुप बी और सी में बांटा गया है, डिवाइड किया हुआ है। तो आप लोग ग्रुप बी के लिए 200 लगेगा और ग्रुप सी का बात अगर किया जाए तो वहाँ 100 लगेगा, ठीक है दोस्तों। और एससी एसटी फीमेल कैंडिडेट के लिए कुछ पैसा नहीं लगेगा। जनरल में भी अगर आप लोग फीमेल में हैं तो आप लोग को पैसा नहीं लगेगा, कोई भी फीमेल का पैसा नहीं लगेगा। पेमेंट मोड का अगर बात किया जाए तो इंडियन पोस्टल ऑर्डर एंड बैंक ड्राफ्ट ओनली, इसी से आप लोग पैसा ये कर सकते हैं, दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बता गया, चलिए बता देता हूँ इम्पोर्टेंट डेट का अगर बात किया जाए दोस्तों। तो स्टार्टिंग डेट अगर बात किया जाए तो 20 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, वैकेंसी अप्लाई करना। और लास्ट डेट का अगर बात किया जाए तो 31 अगस्त तक रहेगा, ठीक है, 31 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हैं लास्ट डेट का। और यहाँ लिखा हुआ है रिटर्न एग्ज़ाम आपका होगा 20 दिसंबर को होगा, ठीक है, 20 दिसंबर 2020 को होगा, ठीक है। अगर एलिजिबिलिटी का बात किया जाए तो फिजिकल स्टैंडर्ड का, तो हाई जो होता है, हाइट होता है आपका, तो यू आर जनरल ईडब्ल्यूएस एससी और ओबीसी के लिए 170 सेंटीमीटर रहना चाहिए और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर, तभी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। एसटी के लिए 162.5 सेंटीमीटर से 165 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर से 155 सेंटीमीटर तक आप लोग अप्लाई कर सकते, इससे कम होगा तो नहीं कर सकते। अगर चेस्ट का बात किया जाए तो जनरल ईडब्ल्यूएस एससी और ओबीसी के लिए 80 सेंटीमीटर मिनिमम, और उसके बाद फुला के आपको 5 सेंटीमीटर बढ़ाना होगा, इंक्रीज करना होगा, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ फीमेल का ऐसा कुछ रूल नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो एसटी के लिए भी यहाँ दिया हुआ है 86 से 81 सेंटीमीटर रहना चाहिए, ठीक है, और 78 से 83 सेंटीमीटर तक आपको फिलअप करना होगा, ठीक है, तभी फुला के फिल इंक्रीज करना होगा, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ बात किया जाए, इतना सारे वैकेंसी दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए टोटल जितना वैकेंसी दिया है, 1-2 देखिए यहाँ पर 1-3 का जो बात किया जाए तो आपको 13 ईयर तक दिया हुआ है। जितने सारे वैकेंसी आप लोग देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ क्वालिफिकेशन, अगर आप लोग को दिक्कत होगा कुछ समझने में तो बोलिएगा, अप्लाई करने में अगर दिक्कत होगा दोस्तों तो बोलिएगा, मैं अप्लाई करके आप लोग को पूरा फुल प्रोसेस बता दूंगा, ठीक है, ऑनलाइन में, कहीं जाने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो देख लीजिए दोस्तों, यहाँ से आप अपना नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो 20 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म फिलअप, तो हो जाना चाहिए, बट आज 22 जुलाई हो गया है, बट अभी तक हुआ नहीं है, बट 1-2 दिन में ओपन हो जाएगा दोस्तों, ये मैं कन्फर्म बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोग को ये डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसका लिंक नोटिफिकेशन का, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दोस्तों, अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, डेली जॉब अपडेट मैं लेके आऊंगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग, हैव ए गुड डे। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।